हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने किडनी के कवरिंग्स के बारे में पढ़ा। चार कवरिंग हमने देखे। पहले देखी हमने हमारे रेनल कैप्सूल, ठीक है। दूसरा कवरिंग हमने देखा पेरीनेफ्रिक फैट। तीसरा कवरिंग हमने पढ़ा जिसमें कि दो लेयर प्रेजेंट थे, जिसको हम लोग रेनल फेशिया कहते हैं। रेनल फेशिया के दो लेयर देखे, एक एंटीरियर लेयर एक पोस्टीरियर लेयर, ठीक है। एंटीरियर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, फेशिया ऑफ ज़ेरोटा, और दूसरा जो होता है पोस्टीरियर लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं फेशिया ऑफ ज़ुकर कैंडल, ठीक है। चौथा लेयर हमने देखा पैरानेफ्रिक फैट, जो कि हमारे पैरावर्टेब्रल गटर में प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के लिए एज ए कुशन का काम करता है। ये चार लेयर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आज के लेक्चर में हम लोग स्पेशली फोकस करने वाले हमारे स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी पे। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली हमारे किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। और हम लोगों को ये पता है, हम लोग टेंथ से साइंस में ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे किडनी में एक फंक्शनल यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का डिटेल में हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने वाले, उसके साथ में हम लोग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसका ब्लड सप्लाई देखेंगे, हमारे किडनी का ब्लड सप्लाई एग्जैक्टली कैसे होता है, लिम्फैटिक ड्रेनेज को होता है कैसे होता है, और इसका नर्व सप्लाई क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग किडनी को ग्रॉसली देखेंगे तो हम लोगों को किडनी में क्या क्या स्ट्रक्चर मिलते हैं। एक्चुअली यहाँ पर अगर देखेंगे ये डायग्राम में हम लोगों को किडनी के कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों को क्लियरली दिखते हैं। पहला, ये जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये है हमारी रीनल पिरामिड्स। इसको हम लोग कहते हैं रीनल पिरामिड्स। जो आउटर पार्ट होता है, ये पिरामिड्स के बाजू वाला जो भी पार्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। ये जो पार्ट है, इसको हम लोग, जो पिरामिड्स हम लोगों को दिख रहे हैं, ये पार्ट होता है हमारा मेडुला का पार्ट, ठीक है। ये पार्ट है हमारा मेडुला। और इसके बाद में ये जो हमारा कैलिक्स का पार्ट होता है, या फिर हमारा जो रीनल साइनसिस जिसको हम लोग कहते हैं, एक स्पेस प्रेजेंट होती है जो हमारे मेजर कैलिक्स के पास प्रेजेंट है, और इस स्पेस को हम लोग कहते हैं रीनल साइनस, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर हम लोगों को मेजरली दिखने वाले। दूसरी चीज हम लोगों को क्या नजर आएगा, ये जो हमारा पिरामिड है, ठीक है, ये जो पिरामिड है, पिरामिड के जस्ट एपेक्स के पार्ट पे यहाँ पर हम लोगों को एक स्पेस नजर आती है जिसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। और ऐसे नंबर ऑफ माइनर कैलिक्स जम के या फिर हमारे कलेक्ट होके हमारा एक कैलिक्स बनता है जिसको हम लोग कहते हैं मेजर कैलिक्स। ये थोड़ा बड़ा स्पेस होता है जहां से हमारा यूरिन हमारे यूरेटर में आता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रीनल, सॉरी, मेजर कैलिक्स। तो ये हमारे ग्रॉसली को स्ट्रक्चर हम लोगों को नजर आते हैं। इसके बाद में जो हमारा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जिसको हम लोग यूरिनिफेरस ट्यूबुल भी कहते हैं, या फिर हम लोग उसको नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम लोग नेकेड आई से देखेंगे एग्जामिनेशन में, और वो भी कौन सा, कोरोनल सेक्शन में अगर देखेंगे हम लोग किडनी के, तो हम लोगों को क्या क्या मिलना है, जो आउटर पार्ट होता है जिसका कि रेडिश ब्राउन कलर होता है, जो होता है हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पूरा कॉर्टेक्स का पार्ट है जिसको हम लोग कैसे, इसका कलर कैसा मानते हैं, हमारा रेडिश ब्राउन कलर होता है। दूसरा पार्ट होता है इनर पार्ट, विच इज अ पेल मेडुला, ठीक है। ये जो हमने पिरामिड्स का पार्ट देखा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। और जो स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं रीनल साइनस, ठीक है। यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं रीनल साइनस। अब ये तीन जो पार्ट होते हैं उसमें हम लोगों को और डिटेल में क्या क्या मिलता है। द रीनल मेडुला इज मेड अप ऑफ द 10 कोनिकल मैसेस विच इज कॉल्ड अ पिरामिड। इसका मतलब क्या है कि ये जो पिरामिड्स है ये हमारे मेडुला का पार्ट होता है, और ये कितने होते हैं, ऑलमोस्ट 10 कोनिकल मैसेस के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पिरामिड्स, ठीक है। देयर अपिसेस फ्रॉम द रीनल पैपिला विच इंडेंट इन द माइनर कैलिक्स। अब जो एपेक्स का पार्ट होता है, ये हमारा पिरामिड जो है, मान लो ये हमारा बेस का पार्ट होता है और ये एपेक्स का पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो एपेक्स का पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं रीनल पैपिला, ठीक है। और ये रीनल पैपिला के पास जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं माइनर कैलिक्स। और ऐसे माइनर कैलिक्स मिल के एक कैलिक्स बनता है, जो स्पेस बनता है उसको हम लोग कहते हैं मेजर कैलिक्स, ठीक है। द रीनल कॉर्टेक्स जो होता है हमारा, इट इज डिवाइडेबल इंटू टू पार्ट। जो रीनल कॉर्टेक्स होता है ये भी डिवाइड करता है दो पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स कौन से है, एक तो हमारा लोब्यूल का पार्ट होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पिरामिड है उसके ऊपर
एक कवरिंग होती है जो कि एक कॉर्टेक्स का पार्ट होता है, ठीक है। और ये कॉर्टेक्स के पार्ट को अगर हम लोग पिरामिड के साथ कंसिडर करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं लोबिल। तो कॉर्टिकल आर्चेस और अ कॉर्टिकल लोबिल जिसको हम लोग कहते हैं, विच फॉर्म्स द कैप्स ओवर द बेस ऑफ द पिरामिड, ठीक है। तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कॉर्टेक्स का बनता है उसको हम लोग कहते हैं रीनल या फिर कॉर्टिकल लोब्यूल। और जो कॉलम प्रेजेंट होता है, इसका मतलब क्या है, ये जो पिरामिड्स है, ठीक है, इन दोनों पिरामिड्स के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है या फिर ये जो यहाँ पर ये कॉलमनार लाइक स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे कॉर्टेक्स होते हैं किडनीज के, उसके दो स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। एक तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर पिरामिड के ऊपर जिसको हम लोग कहते हैं लोब्यूल, कॉर्टिकल लोब्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। और ये दोनों पिरामिड्स के बीच में ये जो पार्ट प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं रीनल कॉलम्स विच डीप इन टू द बिटवीन द पिरामिड्स, ठीक है। ये दो पिरामिड्स के बीच में हम लोगों को प्रेजेंट मिलते हैं। सॉरी, अगर हम लोग इसका पिरामिड्स को और डिटेल में देखेंगे, ईच पिरामिड्स अलोंग विद द ओवरलैंग कॉर्टिकल आर्च विच फॉर्म द लोब ऑफ द किडनी। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉर्टेक्स का पार्ट था यहाँ पर, ये क्या कैप लाइक स्ट्रक्चर था, और ये हमारा पिरामिड, अभी जो बेस ऑफ पिरामिड है और ये जो आर्च है या फिर जो कॉर्टिकल आर्च जिसको हम लोग कहते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं लोब ऑफ द किडनी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लोब ऑफ द किडनी। और रीनल साइनसिस क्या है, रीनल साइनस हम लोगों को पता चला कि ये जो स्पेस होती है हमारी किडनी के बीच में, ठीक है, या फिर हमारा जो कैलिक्स का पार्ट होता है यहाँ पर जो स्पेस प्रेजेंट है इसको हम लोग कहते हैं रीनल साइनसिस, ठीक है। यहाँ पर अगर रीनल साइनसिस देखेंगे तो रीनल साइनस इज द स्पेस दैट एक्सटेंड्स इन द किडनी फ्रॉम द हाइलस, जो हमारा हाइलम का पार्ट होता है जहां से हमारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन, यूरेटर एंटर करता है, वहां पर जो स्पेस प्रेजेंट है उसको हम लोग कहते हैं रीनल साइनसिस। और रीनल साइनसिस में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, रीनल साइनसिस में क्या होगा, एक तो हमारी रीनल आर्टरी प्रेजेंट होगी, ठीक है, रीनल वेन के ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट होंगे, ब्रांचेस ऑफ द रीनल आर्टरी जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ये भी यहाँ पर रीनल साइनसिस में प्रेजेंट है, ट्रिब्यूटरीज प्रेजेंट होंगे हमारी रीनल वेन के, और रीनल पेल्विस जहां से हमारा यूरेटर निकलता है, ठीक है। ये तीन पार्ट जो होता है हमारे रीनल साइनसिस में प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हाइलम के पास जो स्पेस है उसमें तीन स्ट्रक्चर हम लोगों को मिलने वाले, पहला तो ब्रांचेस ऑफ रीनल आर्टरी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रीनल वेन, और तीसरा होता है हमारा रीनल पेल्विस का पार्ट, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो हमारे रीनल साइनसिस के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर पेल्विस का पार्ट देखेंगे तो पेल्विस के पार्ट को यहाँ पर कैलक्सिस में डिवाइड करते हैं, कैलक्सिस में द मेजर पेल्विस डिवाइडेड इनटू द 2 to 3 मेजर कैलसिस, और जो मेजर कैलसिस होते हैं ये कैसे बने होते हैं, एंड दीज आर द टर्न डिवाइड इनटू द 7 to 13 माइनर कैलसिस। इसका मतलब क्या है, अगर 7 to 13 माइनर कैलसिस मिल के हमारे 2 to 3 मेजर कैलसिस बनते हैं जो कि हमने अभी डायग्राम में समझा, ठीक है। तो ये हमारी किडनी का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है। अगर हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे तो हमारा जो फंक्शनल यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं किडनी का, उसको हम लोग कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूबुल, और इसका दूसरा नाम क्या है, नेफ्रॉन, इसका दूसरा नाम है नेफ्रॉन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग किडनी ट्यूबुल भी कहते हैं, किडनी ट्यूबुल और ट्यूबुल ऑफ द किडनी, ठीक है। तो इसके तीनों नाम है, यूरिनिफेरस ट्यूबुल को, नेफ्रॉन को, या फिर किडनी के ट्यूबुल्स को, ये एक ही है, ठीक है। अगर हम लोग इसका नंबर्स देखेंगे, हमारे किडनी में, ईच किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, ईच किडनी इज कम्पोज ऑफ द 1 to 3 million नेफ्रॉन, ठीक है, कितने होते हैं 1 to 3 million यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स और नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या है, विच इज अ एक्सक्रेटरी पार्ट, यहां से हमारा यूरिन फॉर्म होके हमारे यूरेटर के साथ हमारे ब्लैडर में आएगा, और ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी ये एक्सक्रेट करेगा, ठीक है। तो एक्सक्रेटरी पार्ट है विच इज कॉल्ड नेफ्रॉन विच इलैबोरेट्स द यूरिन, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलैबोरेट्स कर रहा है यूरिन को। अगर हम लोग नेफ्रॉन का ग्रॉसली स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डायग्राम से हम लोगों को समझ में आएगा, ये जो नेफ्रॉन है हमारा इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ग्रॉसली देखेंगे ये होता है हमारा ग्लोमेरुलस, इसके पेरीफेरी में ये जो कप शेप का यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कहते हैं
बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बॉमन्स कैप्सूल। उसके बाद में जो बॉमन्स कैप्सूल एक्सटेंड करता है ये होता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको क्या हम लोग पीसीटी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग इसको, पीसीटी। इसको प्रॉक्सिमल कहने का मतलब क्या है कि जो ट्यूबुलर पार्ट यहाँ पे स्टार्ट होगा उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और यही कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या फिर ये जो पीसीटी है आगे कंटिन्यू करके एक लूप फॉर्म करता है। ये जो दिख रहा है आपको ये यहाँ पर ये लूप के फॉर्म में नीचे आ रहा है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये ऐसा टर्न होके यू टर्न लेके असेंडिंग पार्ट से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लूप बनता है इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है और एक असेंडिंग पार्ट होता है। उसके बाद में ये कंटिन्यू करता है हमारा तीसरे पार्ट के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं डीसीटी। ठीक है, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये जो डीसीटी होता है ये हमारे कलेक्टिंग ट्यूबुल या फिर कलेक्टिंग डक्ट में आके, ये जो आगे की यूरिन या फिर जो भी एक्सक्रीटरी पार्ट है हमारे कलेक्टिंग डक्ट में आके कलेक्ट होता है, और फिर आगे हमारे एफरेंट आर्टेरियोल से या फिर हमारा जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा या फिर रेनल पेल्विस का पार्ट होता है उससे हमारा यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे नेफ्रॉन का एक ग्रॉस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोगों को मेनली क्या क्या स्ट्रक्चर मिलने वाला है। पहला मिलेगा ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस। दूसरा मिलेगा हम लोगों को बाउमन्स कैप्सूल, बाउमन्स कैप्सूल। तीसरा होता है यहाँ पर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। चौथा होता है हमारा लूप ऑफ हेनले। फिफ्थ होता है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और सिक्स होता है हमारा कलेक्टिंग ट्यूबुल। ठीक है, कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो ये छह स्ट्रक्चर हम लोगों को हमारे यूरिनिफेरस ट्यूबुल या फिर नेफ्रॉन में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद में अगर हम लोग इसका और एक स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो बॉमन्स कैप्सूल या फिर जो हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट होता है और ये हमारा डीसीटी का पार्ट होता है। ठीक है, डीसीटी का पार्ट और ये हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट, ये एक्चुअली हमारे कॉर्टेक्स में होता है। ठीक है, और ये जो लूप ऑफ हेनले है और पीसीटी का भी पार्ट थोड़ा बहुत, ये हमारे मेडुला में आता है, मेडुला में आता है। और उसके साथ साथ जो कलेक्टिंग ट्यूबुल का भी पार्ट होता है वो भी हमारे मेडुला में एंटर करता है। इसीलिए जो हमारा स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, फिर जो सिरेशंस दिखते हैं हमारे पिरामिड्स में वो क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिंग ट्यूबुल का पार्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कॉर्टेक्स में हम लोगों को मेनली क्या दिखने वाला है, एक तो हमारा ग्लोमेरुलर के साथ हमारा जो बॉमन्स कैप्सूल है जिसको कि हम लोग रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में थोड़ा सा पीसीटी का पार्ट, थोड़ा डीसीटी का और थोड़ा बहुत हमारे कलेक्टिंग ट्यूबुल का, लेकिन मेजर पार्ट होता है जो हमारी लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग ट्यूबुल का, वो हमारी मेडुला में एंटर करता है। ठीक है, उसी को हम लोग एक बार थ्योरेटिकली समझ लेते हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन है उसमें क्या क्या फंक्शंस और क्या क्या स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम लोग नेफ्रॉन देखेंगे, नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, हम लोगों को ये पता है और हम लोग टेंथ से ये साइंस में पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो नेफ्रॉन है ये हमारा फंक्शनल यूनिट होता है हमारे किडनी का। द रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल का मतलब क्या है, इसमें दो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, एक तो हमारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस और हमारा बॉमन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं रीनल कार्पस्कल, रीनल कार्पस्कल। ठीक है, द रीनल कार्पस्कल, दूसरा नाम क्या है इसका, माल्फीजियन कार्पस्कल। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है, इट इज अ फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द प्लाज्मा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है हमारी किडनी में। दूसरी चीज है विच इज अ मेड अप ऑफ रीनल कार्पस्कल, किससे किससे बना, एक तो हमारा ग्लोमेरुलस से बना, विच इज अ टफ कैपिलरी नेटवर्क एंड द बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, द बॉमन्स कैप्सूल, इसका मतलब है हमारे रीनल कार्पस्कल में दो स्ट्रक्चर मेनली इन्वॉल्व है, एक तो बॉमन्स कैप्सूल, दूसरा है हमारा ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस को अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा रीनल आर्टरी से निकलता हुआ ब्लड सप्लाई जो है हमारे एफरेंट आर्टेरियोल से, एफरेंट मतलब ये स्टार्टिंग का पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो ग्लोमेरुलस है ये टफ टॉप कैपिलरीज बनता है
और इसके बाद में यहाँ से एक ब्लड सप्लाई बाहर निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं इफरेंट आर्टेरियल, मतलब जो एंडिंग का पार्ट होगा, ठीक है। जहां से एंट्री होता है उसको हम लोग एफरेंट कहते हैं, जहां से एग्जिट हो रहा है उसको हम लोग इफरेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पार्ट होता है हमारा रीनल ट्यूबुल का पार्ट, ठीक है, जिसमें हमारे क्या तीन स्ट्रक्चर आते हैं। पहला आता है हमारा प्रॉक्सिमल कैनुलर ट्यूबुल, दूसरा आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, तीसरा आता है हमारा जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल का पार्ट है, ठीक है। द रीनल ट्यूबुल किसको कह रहे हैं, इट इज अ फॉर द सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसका फंक्शन क्या है, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ है उससे और हमारे ब्लड से जो सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है वो हमारे बॉडी में रखना, और जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है इसका मतलब वो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर फेंकना। तो ये जो सेलेक्टिव रीऑब्जॉर्प्शन है ये कहाँ पे होता है, हमारी जो रीनल ट्यूबुल का पार्ट होता है उसमें स्पेशली होता है। फिजियोलॉजी में आप और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हो, ठीक है। विच इज अ मेड अप ऑफ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसको शॉर्ट में पीसीटी भी कहेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर होता है इसमें लूप ऑफ हेनले, पहला हुआ पीसीटी, दूसरा है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। And with it descending and ascending limb, the distal convoluted tubule, which is a third part of renal tubule. ठीक है, तो दो पार्ट यहाँ पर हमने क्या समझे, एक तो पहला renal corpuscle जिसमें हमारा glomerulus और bomus capsule है, दूसरा पार्ट हमने समझा renal tubule का। renal tubule में क्या क्या present है, एक तो PCT है, दूसरा है loop of Henle, तीसरा है DCT. ठीक है, इसके बाद में जो structure present होता है collecting part. अब कलेक्टिंग पार्ट या फिर जिसको हम लोग कलेक्टिंग ट्यूबुल कहते हैं वो जो पार्ट होता है जिसमें हमारे नेफ्रॉन के मल्टीपल नेफ्रॉन यहाँ पर अटैच होते हैं और यूरिन का यहाँ पर कलेक्शन होता है, यही कलेक्टिंग ट्यूबुल हमारे रीनल कॉर्टेक्स से कैलाक्सिस से हमारे मेजर पेल्विस में आता है और मेजर पेल्विस से हमारे यूरेटर में यहाँ पर एंटर करता है, ठीक है। द कलेक्टिंग पार्ट विच बिगिंस एट द जंक्शनल ट्यूबुल फ्रॉम द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, मतलब है कि जहां पे हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड खत्म होता है वहां पे हमारा कलेक्टिंग पार्ट यहाँ पर स्टार्ट होता है जिसको हम लोग कलेक्टिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। मेनी ट्यूबुल्स यूनाइट टूगेदर टू फॉर्म द डक्ट ऑफ बेलिनी, इसको दूसरा क्या कहते हैं हम लोग, डक्ट ऑफ बेलिनी भी कहते हैं, विच ओपन इन टू द माइनर कैलेक्सिस थ्रू द रीनल पैपिली। अब मान लो कि ये हमारा पिरामिड का पार्ट है, ठीक है, ये हमारा पिरामिड का पार्ट है, बॉमस कैप्सूल यहाँ पर प्रेजेंट होगी हमारे कॉर्टेक्स के एरिया में, और ये हमारा मान लो एफरेंट आर्टेरियल है, और यहाँ पे टफ टॉप कैपिलरी है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, एफरेंट इफरेंट आर्टेरियल, ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी ट्यूबुल का पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारे ट्यूबुल्स का पार्ट होता है, और मल्टीपल नेफ्रॉन यहाँ पर जो कलेक्टिंग ट्यूब होती है इसमें आके ये यूरिन का यहाँ पर ड्रेनेज करती है, ठीक है। मल्टीपल नेफ्रॉन से यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होता है, और ये जो कलेक्टिंग ट्यूब है या फिर कलेक्टिंग डक्ट है ये क्या करेगी, हमारे जो यहाँ पर रीनल पैपिली प्रेजेंट होगी, ये हमारा बेस का पार्ट है, ठीक है, ये हमारी पिरामिड का बेस का पार्ट है, इसलिए जो हमारे पैपिली प्रेजेंट होंगे वो हमारे बेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ से रीनल पैपिली से होके फिर हमारे माइनर कैलेक्सिस में आएगी, और माइनर कैलेक्सिस से फिर हमारे मेजर कैलेक्सिस में आके फिर हमारा जो पेल्विस का पार्ट होता है जिसको हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं, वहां से यूरेटर में एंटर करेगा, और यूरेटर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर हमारे आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस यहाँ से कुछ इस तरह से हमारा यूरिन का यहाँ पर एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज हम लोगों को क्या समझनी है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मतलब क्या हुआ कि ग्लोमेरुलस के नियर बाय, ठीक है। जक्स्टा का मतलब क्या होता है यहाँ पे, नियर टू, ठीक है, नियर टू, और दूसरा क्या वर्ड है यहाँ पे, ग्लोमेरुला, ठीक है। इसका मतलब है कि एक अपैरेटस या फिर एक ऐसा स्ट्रक्चर जो हमारे ग्लोमेरुलस के यहाँ पर नियर है, ठीक है। ये हमारा बॉमस कैप्सूल है, ठीक है, ये हमारा पूरा बॉमस कैप्सूल का एरिया, और ये हमारा ग्लोमेरुलस का पार्ट, ठीक है। ये एफरेंट आर्टेरियल है और ये हमारा इफरेंट आर्टेरियल है, ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल। अब इसमें हम लोगों को ग्लोमेरुलर या फिर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में क्या पढ़ना है, यहाँ पर जो एफरेंट आर्टेरियल होता है
यहाँ पर कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो नेफ्रॉन का मान लो ये ग्लोमेरुलर ये ग्लोमेरुल का पार्ट है, ये बॉमेंस कैप्सूल है, ठीक है। यहाँ से ये एफरेंट आर्टरी है, इफरेंट आर्टरी होगा, ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है। और जो हमारा पीसीटी का पार्ट होता है ये कुछ इस तरह से आके फिर हमारा ये लूप ऑफ हेनले बना, ठीक है। ये ठीक है, यहां से ये लूप ऑफ हेनले बनता है। और जो पीसीटी का पार्ट होता है जो डीसीटी का पार्ट होता है वो हमारे ग्लोमेरुलस के फ्रंट में आता है, ठीक है। ये ग्लोमेरुल के फ्रंट में आता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, बॉमेंस कैप्सूल के सामने यहाँ पर हमारा डीसीटी का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है ये हमारा एफरेंट आर्टरी, ये हमारा इफरेंट आर्टरी और ये हमारे डीसीटी का पार्ट। अब इन दोनों के बीच में ये एफरेंट आर्टेरियल जो होता है इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और जो हमारा डीसीटी का पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पर ये दिखा है ये डीसीटी का पार्ट है। और जो डीसीटी में कुछ स्पेशलाइज सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कॉलमनार सेल्स कहते हैं, उसका दूसरा नाम होता है मैकुला डेंसा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा नाम क्या है इसका? मैकुला डेंसा, जो कि कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी डीसीटी में, ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये डीसीटी हुआ और ये हमारा टफ्ट ऑफ कैपिलरी या फिर ग्लोमेरुलस हुआ, इन दोनों के बीच में कुछ स्पेशलाइज सेल यहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो होते हैं ये तीन स्ट्रक्चर को कंसिडर करके हम लोग उसको कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। तो इन तीन में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट हुए हमारे? एक तो मैकुला डेंसा है, दूसरा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, और तीसरा है हमारा एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि डीसीटी और हमारे एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल का जो पार्ट है या फिर ग्लोमेरुलस का पार्ट है इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। अब हमने ये तो पढ़ा कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है? जो हमारी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स है, मान लो कभी किसी वजह से हमारे पेशेंट में शॉक की कंडीशन डेवलप होती है या फिर इसका बीपी कम हो जाता है, तो बीपी कम होने की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में रीनल फ्लो कम होगा। जब रीनल फ्लो कम होता है तो हमारा एक सिस्टम एक्टिवेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रास सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर जो रेनिन सिक्रेशन का काम करता है वो करते हैं हमारे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस है उसका मेन रोल जो होता है वो रास सिस्टम में होता है, ठीक है। रास सिस्टम मतलब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें जो मेन रोल होता है वो होता है हमारे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस का, जिसमें भी हमारे जो रेनिन सिक्रेशन करने वाली सेल्स कौन सी होती है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस में हमने पढ़ा कि मैकुला डेंसा एक होता है विच इज फॉर्म्ड अल्टर्ड सेल्स ऑफ इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। दूसरा पार्ट हमने देखा है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स विच फॉर्म्स द एपिथेलियल सेल्स इन द मीडिया ऑफ द एफरेंट आर्टेरियल मोस्टली एंड सब अग्रेनुलर सेल्स बिटवीन द मैकुला डेंसा एंड द ग्लोमेरुलर प्रॉपर। मतलब ये जो ग्लोमेरुलस है और ये मैकुला डेंसा, इन दोनों के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स या फिर कुछ अग्रेनुलर सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है, और इन तीनों को मिलके हमारा एक अपरेटस बनता है जिसको हम लोग कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग इसके जो ब्लड सप्लाई है या फिर वस्कुलर सेगमेंट है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वस्कुलर सेगमेंट में हम लोगों को एक चीज समझनी है कि जो हमारी किडनी होती है उसका जो ब्लड सप्लाई है वो सेगमेंट के पार्ट में यहाँ पर होता है, या फिर ये जो ब्लड सप्लाई है उसी के बेसिस पे हम लोग किडनी को पांच सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। और जो पांच सेगमेंट में ब्लड सप्लाई होता है इसका किसी के साथ भी ऐसा एक स्पेशली या फिर इसका कनेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब है कि जो भी डिवीजन को ये ब्लड सप्लाई होता है
वही सेगमेंट में ये लिमिटेड रहता है, किसी और सेगमेंट में इसका एनास्टोमोसिस नहीं होता है। मान लो हमारी ये जो किडनी है, ठीक है, ये जो मान लो हमारी किडनी है, इसको हम लोग दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा एंटीरियर पार्ट और दूसरा होता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, ये मान लो ये हमारा पोस्टीरियर पार्ट है और ये हमारा एंटीरियर पार्ट। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो हमारी जो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, स्टार्टिंग अगर देखेंगे हमारा एब्डोमिनल अवर्टा से, एब्डोमिनल अवर्टा जो होता है उसका ब्रांच निकलता है रीनल आर्टरी करके, ठीक है, रीनल आर्टरी। इसका मतलब है कि रीनल आर्टरी का डायरेक्ट ओरिजिन हमारे एब्डोमिनल अवर्टा के साथ होता है, अवर्टा से होता है। और अगर हम लोग इसका ओरिजिन देखेंगे कौन से लेवल होते हैं, हमारे वर्टेब्रा के L2 लेवल पे इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि एब्डोमिनल अवर्टा से रीनल आर्टरी का ओरिजिन कौन से लेवल पे होता है, तो L2 लेवल पे इसका ओरिजिन होता है। और जो रीनल आर्टरी है, जैसे ही हमारे हाइलम में आती है, जैसे ही हमारे हाइलम में एंटर करती है, इसके दो पार्ट्स होते हैं या फिर दो सेगमेंट होते हैं। एक होता है हमारा एंटीरियर सेगमेंट, दूसरा होता है इसका पोस्टीरियर सेगमेंट। अब जो पोस्टीरियर सेगमेंट है, ये पोस्टीरियर पार्ट को या फिर पोस्टीरियर सेगमेंट को यहाँ पर सप्लाई करता है। ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट है। ठीक है, पोस्टीरियर सेगमेंट। अब ये जो एंटीरियर सेगमेंट है, एंटीरियर सेगमेंट अगेन डिवाइड होता है चार सेगमेंट में। चार सेगमेंट कौन से, एक होता है हमारा एक होता है अपाइकल, पहला अपाइकल, दूसरा जो होता है अपर होता है, तीसरा होता है मिडल और चौथा होता है लोअर। इसका मतलब क्या है, किडनी को अगर हम लोग ब्लड सप्लाई के हिसाब से अगर हम लोग इसको सेगमेंट में डिवाइड करेंगे तो इसके पांच सेगमेंट बनते हैं। एक तो होता है हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट और दूसरा होता है एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, एंटीरियर सेगमेंट। और जो एंटीरियर सेगमेंट होता है वो अगेन चार पार्ट में डिवाइड होता है। वो चार पार्ट कौन से, एक तो अपाइकल है, दूसरा होता है हमारा अपर, तीसरा होता है मिडल और चौथा होता है लोअर। ठीक है, तो ये चार सेगमेंट में कौन सप्लाई कर रहा है, ये हमारे एंटीरियर ब्रांच। ठीक है, ये हमारे एंटीरियर ब्रांच जो है ये हमारे अगेन चार सेगमेंट में अलग अलग से डिवाइड होके सप्लाई कर रही है। ठीक है, कभी कभी हमारा जो लोअर पार्ट होता है इसमें एक एक्सेसरी आर्टरी जिसको हम लोग कहते हैं उसका भी पार्ट कभी कभी इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो सेपरेटली लोअर सेगमेंट को यहाँ पर सप्लाई करती है। इसका मतलब है कि ये जो सेगमेंट है इसका एक दूसरे के साथ कोई ऐसा एनास्टोमोसिस हम लोगों को देखने नहीं मिलता है। इसीलिए जब भी कोई हम लोग ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो पांच सेगमेंट में इसका डिवाइडेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, द रेनल, अगर वस्कुलर सेगमेंट की बात करते हैं तो द रेनल आर्टरी विच गिव्स अ फाइव सेगमेंटल ब्रांचेस, फोर फ्रॉम द एंटीरियर डिवीजन एंड वन फ्रॉम द इट्स पोस्टीरियर डिवीजन। इसका मतलब है कि रेनल आर्टरी जो है पहले दो सेगमेंट में डिवाइड होगी, एक तो एंटीरियर और दूसरा पोस्टीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर से डायरेक्ट पोस्टीरियर सेगमेंट सप्लाई होगा, एंटीरियर से चार पार्ट में सप्लाई होगा, एक अपाइकल, अपर, मिडल एंड लोअर। ठीक है, द सेगमेंट आर अपाइकल, अपर, मिडल एंड लोअर ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट, ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट सेगमेंट सीन ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अपाइकल एंड द लोअर सेगमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको सप्लाई करने वाला पार्ट एक ही होगा, पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। ठीक है, और एंटीरियर सेगमेंट के चार पार्ट डिवाइड होंगे। ठीक है, जिसको कि एंटीरियर सेगमेंट की आर्टरी सप्लाई करेंगे। ब्लड सप्लाई को अगर हम लोग क्लियरली और नजर देते हैं इसके ऊपर, तो हम लोगों को क्या दिखता है कि जो हमारा एब्डोमिनल अवर्टा होता है, एब्डोमिनल अवर्टा से हमारी रीनल आर्टरी निकलती है। और रीनल आर्टरी क्या करती है, पांच सेगमेंट की आर्टरीज बना रही है जो हमने अभी पढ़ा, और हर सेगमेंट को, ये ईच सेगमेंट को एक आर्टरी सप्लाई करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ये हमारे पिरामिड का पार्ट है मान लो। ठीक है, ये पिरामिड्स ऐसे बने होते हैं हमारे किडनीज के, और हर पिरामिड्स के साथ एक लोबार आर्टरी यहाँ पर ज्वाइन होती है। ठीक है, तो जो सेगमेंटल आर्टरी होती है, ये सेगमेंटल आर्टरी जो है ये हमारे लोबार आर्टरी को यहाँ पर ओरिजिन देती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा सेगमेंट है, मान लो ये एक सेगमेंट है,
एक सेगमेंट को सप्लाई करने वाली एक लोबार आर्टरी है। ठीक है, ये जो है हमारी ये सेगमेंटल आर्टरी की ब्रांच है पहली, जिसको हम लोग कहते हैं लोबार आर्टरी। ठीक है, और ये लोबार आर्टरी क्या करती है, हमारी इंटरलोबार आर्टरी को यहाँ से ओरिजिन देती है। ठीक है, यहाँ से दो यहाँ पे पेरिफेरली इंटरलोबार आर्टरी को यहाँ पर ये ओरिजिन देती है। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इंटरलोबार आर्टरी है यहाँ पर फिर से ये आर्क्यूएट आर्टरी बनाती है। क्या बनाती है, आर्क्यूएट आर्टरी, जो कि हमारी पिरामिड्स को यहाँ पर कवरिंग या फिर कैप लाइक यहाँ पर ये टर्न हो जाती है। ठीक है, ये होती है हमारी आर्क्यूएट, जिसको हम लोग आर्च लाइक बोलते हैं। ठीक है, आर्क्यूएट का मतलब होता है कि आर्च लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये हुआ हमारा आर्क्यूएट आर्टरी का पार्ट। अब ये जो आर्क्यूएट आर्टरी होती है ये और ओरिजिन देती है हमारे कॉर्टेक्स पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरलोबुलर आर्टरी। क्या कहते हैं हम लोग इसको, इंटरलोबुलर आर्टरी, ऐसे यहाँ पर ये ब्रांचेस देती है एज ए इंटरलोबुलर आर्टरी। और ये जो इंटरलोबुलर आर्टरी है ये कनेक्ट करती है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल के साथ। ठीक है, ये करती है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल के साथ, और ये जो एफरेंट आर्टेरियोल का पार्ट होता है फिर ये ग्लोमेरुलस में जाता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जाएगा, ग्लोमेरुलस से फिर इफरेंट आर्टेरियोल में आएगा। ठीक है, ये इफरेंट आर्टेरियोल होगा, और इफरेंट आर्टेरियोल से आर्टेरियोल में आएगा, इफरेंट आर्टेरियोल से फिर आता है हमारी पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस में, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस में आता है। ठीक है, यहां से फिर अगेन वही रिवाइज होगा जो आर्टरी के फॉर्म में बना था, यहां से फिर आएगा इंटरलोबुलर वेन। ठीक है, इंटरलोबुलर वेन। ठीक है, और इंटरलोबुलर वेन आगे कनेक्ट करेगी हमारे आर्क्यूएट वेन से, आर्क्यूएट वेन से। उसके बाद में ये आर्क्यूएट वेन क्या करेगी, इंटरलोबार वेन के साथ कनेक्ट करेगी, इंटरलोबार वेन के साथ। देन इंटरलोबार वेन क्या करेगी, लोबार वेन के साथ कनेक्ट करेगी। ये लोबार वेन जो है ये फिर हमारे सेगमेंटल वेन के साथ अटैच होगी, सेगमेंटल वेन के साथ। और ये सेगमेंटल वेन फिर फाइव सेगमेंट्स के साथ अटैच होगी, सेम फाइव सेगमेंट फिर हमारे रीनल वेन के साथ अटैच होंगे, और ये रीनल जो वेन होगी हमारे इन्फेरियर वेना कैवा में यहाँ पर ब्लड का ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, तो जो ब्लड सप्लाई होता है या फिर वेनस ड्रेनेज होता है कुछ इस तरह से होता है, जो कि हमारे फ्लो चार्ट में भी दिया है, ये आपको डायग्राम बीडीसी में भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे एब्डोमिनल एवर्टर एट द लेवल ऑफ एल टू से हमारे रीनल आर्टरी निकल गई, रीनल आर्टरी फिर फाइव सेगमेंट में यहाँ पर डिवाइड हुआ। फाइव सेगमेंट को ईच सेगमेंट आर्टरी, मतलब ईच पिरामिड को एक सेगमेंट से आर्टरी जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं लोबार आर्टरी। ठीक है, यही लोबार आर्टरी हमारे पिरामिड्स के पेरिफेरली इंटरलोबार आर्टरी कह के यहाँ पर ओरिजिन देगी। इंटरलोबार आर्टरी से निकल के आएगा हमारा आर्क्यूएट आर्टरी का पार्ट। जो आर्क्यूएट आर्टरी होगी वो हमारी जो पिरामिड्स है उसके कैप लाइक स्ट्रक्चर या फिर आर्च लाइक फॉर्म में ये यहाँ पर मौजूद होगी, और यही आर्क्यूएट आर्टरी हमारे इंटरलोबुलर आर्टरी को यहाँ पर ओरिजिन देगी, जो कि हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होगी। ठीक है, और जो इंटरलोबुलर आर्टरी है जो हमारा ग्लोमेरुलस का एंट्री पॉइंट है, जिसको हम लोग एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, उसके साथ ये कनेक्ट होगी। उसके बाद में ये जाएगी ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से फिर आएगा इफरेंट आर्टेरियोल्स में, और इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड कहाँ जाएगा, पेरिट्यूबुलर प्लेक्सस में। ठीक है, और ये जो प्लेक्सस से निकला हुआ ब्रांच है ये यहाँ पर इंटरलोबुलर वेन के साथ कनेक्ट करेगा, सेम यहाँ पर इंटरलोबुलर वेन हमारे आर्क्यूएट वेन में जाएगी, आर्क्यूएट वेन से ब्लड जाएगा हमारा इंटरलोबार वेन में, इंटरलोबार से जाएगा लोबार वेन में, लोबार से फिर जाएगा ये सेगमेंटल में, सेगमेंट से आएगा हमारी रीनल वेन में, और रीनल वेन से आएगा हमारे इन्फीरियर वेना कैवा में। तो कुछ इस तरह से हमारे किडनी का ब्लड सप्लाई यहाँ पर मौजूद होता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज कैसे होता है। अगर हम लोग लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करते हैं तो द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द किडनी विच ड्रेन्स इन द लैटरल एवर्टिक नोड। ठीक है, कहाँ पे होता है, लैटरल एवर्टिक नोड में इसका लिम्फ ड्रेन होता है,
और वो कहाँ लोकेट करता है, विच इज लोकेटेड एट द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरी। इसका मतलब क्या है कि L2 की लेवल पे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है और वो कौन से, लैटरल एवर्टिक नोड में। ठीक है, नर्व सप्लाई की जब बात करते हैं तो नर्व सप्लाई द किडनी इज सप्लाइड बाय द रीनल प्लेक्सस। ठीक है, किससे सप्लाइड है, रीनल प्लेक्सस से एंड ऑफशूट ऑफ द कोलिक प्लेक्सस। ठीक है, कोलिक प्लेक्सस से ये सप्लाई है विच कंटेन द सिंपैथेटिक, और वो कहां से आ रहा है, सिंपैथेटिक सप्लाई T10 से L1 के लेवल तक। ठीक है, सिंपैथेटिक फाइबर विच आर चीफली वेजोमोटर होते हैं ये। ठीक है, द एफरेंट नर्व ऑफ द किडनी अलोंग द सेगमेंट ऑफ द T10 to T12। इसका मतलब क्या है कि जो एफरेंट नर्व होती है उसका यहाँ पर सप्लाई कहाँ से आ रहा है, कौन से सेगमेंट से आ रहा है, T10 से T12 तक के सेगमेंट से यहाँ पर नर्व सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे किडनी का एनाटॉमी हुआ। अब इसके बाद में दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारा यूरिनरी सिस्टम का होगा वो हम लोग यूरेटर को डिस्कस करेंगे, यूरेटर के बाद हमारा यूरेथ्रा डिस्कस होगा, और यूरेथ्रा के बाद में फिर हमारा ब्लैडर, हम लोग सॉरी यूरेथ्रा के पहले हम लोग ब्लैडर डिस्कस करेंगे, ब्लैडर के बाद में लास्ट में यूरेथ्रा डिस्कस करेंगे। ठीक है,